फ्रेंड, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं जवाहर नवोदय विद्यालय के गणित सब्जेक्ट को तैयार कराने के लिए आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ। तो मैं शुरुआत करता हूँ अनुपात और समानुपात से। तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अनुपात और समानुपात। तो चलिए सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर देते हैं। दो संख्याएं ए और बी का अनुपात को हम ए डिवाइडेड बाई बी के रूप में लिखते हैं। और अगर हम मान लेते हैं कि दोनों का महत्तम समापवर्तक k है, तो k से हम क्या करेंगे, दोनों में डिवाइड करेंगे। तो हम फिर से लिखेंगे a डिवाइडेड बाय b इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय k डिवाइडेड बाय b डिवाइडेड बाय k। तो a और b दोनों में हम दोनों के महत्तम समापवर्तक से डिवाइड करेंगे, और जो मिनिमम फॉर्म में आएगा p बाय q के फॉर्म में, इसी को जनरली अनुपात कहा जाता है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। माना दो संख्याएं 18 और 15 है, तो दोनों का अनुपात है ना, दोनों संख्याओं का अनुपात कितना हो जाएगा, 18/15, और दोनों का एचसीएफ कितना है, महत्तम समापवर्तक 3, तो 3 से इसमें डिवाइड करेंगे हम 6 बार में, है ना। 3 क्या है, 900 है ना, महत्तम समापवर्तक 18 और 15 का कितना है 3, तो 3 से हम भाग दिए 18 में 6 बार, 3 से 15 में भाग दिए 5 बार में, तो आ गया 6/5। तो यही अनुपात हो गया, 18 और 15 का अनुपात क्या हुआ, 6/5। अब हम चलते हैं समानुपात पे। तो दो अलग अलग अनुपात आपस में अगर बराबर हो, जैसे कि ए तथा बी का अनुपात ए इज टू बी है, ए इज टू बीच में पढ़ते हैं, या ए टू बी, एंड सी तथा डी का अनुपात सी इज टू डी है, या इसको हम ए बाय बी भी लिखते हैं और ये सी बाय डी भी लिखते हैं, और ये अनुपात आपस में बराबर अगर हो, है ना, और यदि a by b इक्वल टू हो c by d का, तब a b c d समानुपाती होते हैं। तो इसमें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, a into d will be equal to b into c, इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी सही है और ये भी सही है, और दूसरा हम क्या लिखते हैं अनुपात के फॉर्म में, a अनुपात b इज इक्वल टू को हम इस तरह से इक्वल टू लिखते हैं हम, है ना, c इज टू d, इसका दूसरा फॉर्म क्या है, a इज टू b, ये चार बिंदु यहाँ पे हम दिखाते हैं c इज टू d। तो a और b का अनुपात ए बी है, और ये आपस में बराबर है सी डी के। ओके, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, और बीच वाले दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो आपस में क्या होगा, बराबर होगा, जो कि यहाँ पे है। अब इसमें हम एग्जांपल देखेंगे, हम मध्य अनुपाती बताते हैं, मध्य अनुपाती। यदि ए बी बराबर हो सी डी, और बी सी आपस में बराबर हो, ए बी समानुपात है सी डी का, और बी सी आपस में एक दूसरे से इक्वल हो, तब हम तीन टर्म ने लिख के हम इस तरह से इसको दिखाते हैं, ए इज टू बी इज टू डी। और ये इसका मतलब ये होता है ए इज टू बी इज टू डी, ए बी बी मध्य टर्म कहलाता है, बी और सी इक्वल है आपस में, बी बराबर सी है, तो इसको दोनों को हम क्या कहते हैं, मध्य टर्म, जब मध्य क्या बोलते हैं आप हिंदी में, अनुपाती, मध्य अनुपाती संख्या, अनुपाती संख्या क्या होता है, ये बीच वाला। तो इसको अगर हम ए बाय बी फर्स्ट और लास्ट वाला करें तो क्या होएगा, ए डी
इज इक्वल टू बी इंटू सी, यानी कि बी सी और बी और सी इक्वल है तो हम बी स्क्वायर लिख सकते हैं, ए डी इक्वल टू बी स्क्वायर, और मध्य वाला टर्म पूछा जाए तो क्या होगा, बी इक्वल टू ए डी। तो इसमें एग्जांपल में अगर हम देखें, पहला एग्जांपल दो संख्या है मेरा, मान लो एक 9 है, दूसरा है मान लो 49, इसका मध्य अनुपाति क्या होगा, पूछ रहे कि मध्य अनुपाति क्या होगा। तो मध्य अनुपाति हम कैसे निकालते हैं, है ना, बी और सी सेम है तो बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ए डी, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट 9 इंटू 49, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना होगा 3, और 49 का कितना होगा स्क्वायर रूट 7, तो ये हो गया 27 आंसर। पहला एग्जांपल हम बता रहे हैं यहाँ पे आय बचत और खर्च से। मान लिया जाए किसी का आय है 500 रुपया, इसमें से खर्च होता है मान लिया जाए 400 रुपया, तो बचत कितना हो गया, इसमें से इसको खर्च को माइनस करेंगे तो 100 रुपया। अब इसमें पूछा जाए कि आय और बचत का अनुपात कितना होगा, तो 500/100, तो डिवाइड करेंगे 100 से, तो 5/1 क्या हो जाएगा 5:1। पूछा जाए इसमें क्वेश्चन कि बचत और खर्च का अनुपात कितना होगा, तो बचत अनुपात खर्च कितना 100/400 = 1/4 = 1:4। इस तरह से आय और खर्च पूछा जा सकता है, खर्च आय किसी से किसी को, तो 6 कॉम्बिनेशन बनेगा, आय बचत बचत आय, आय खर्च खर्च आय, बचत खर्च खर्च बचत, तो इस तरह से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तो तीन एग्जांपल, दूसरा पहला एग्जांपल था 9:49 मध्य अनुपाति, तो मध्य अनुपाति को हम क्या निकलते हैं स्क्वायर रूट फर्स्ट और लास्ट। दूसरा एग्जांपल था आय बचत खर्च से, तो इसमें हम निकाल सकते हैं। और तीसरा एग्जांपल हम दे रहे हैं कि 4 संख्या दिया गया है 10, 20, x, 40 समानुपाती है, तो x का वैल्यू क्या होगा, तो इसमें भी वही है, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल कर देंगे, है ना, तो 20 × x बराबर कितना हो जाएगा 40 × 10 × 40, 20 को इधर डिवाइड कर दो x निकल जाएगा, है ना, 2×4 से कितना हो गया 20, यहाँ का वैल्यू निकल गया। इस तरह से इसमें कोई भी वैल्यू पूछा जाए निकल जाएगा, है ना, 5x और 7/21 कैसे निकलेगा, x पूछ रहा है यहाँ, तो फिर से हम क्या करेंगे, दिस इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, x इंटू 7 इज इक्वल टू 5×27, सो x विल बी 7 विल बी डिवाइडेड हेयर 21, तो 7 3s आ 3 बार में कटेगा, 5 3 15, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 15। तो इसमें x चाहे यहाँ रहे कहीं भी रहे आप बना सकते हैं, देखिए पहला में तीसरे स्थान पे x था, दूसरा में यहाँ दूसरे स्थान पे, पहले स्थान पे हम देखते हैं x इज टू 20 और यहाँ समानुपाती था, है ना, समानुपाती किसका है, इसका, तो कैसे बनेगा, क्या होगा फिर, इसमें ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, इक्वल कर देंगे, है ना, तो x इंटू 10 इक्वल टू 20×2, सो 10 से इधर हम डिवाइड कर देंगे तो x इक्वल टू 4, आंसर 4 आ जाएगा। इस तरह से आप इसमें बनाएंगे। हम नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल 4 हम ले रहे हैं, 2 संख्याओं का अनुपात 7:3 है तथा उनका अंतर 28 है, तो बड़ी संख्याएं ज्ञात करें। तो इसमें 2 संख्याएं जो है, एक ए है दूसरा बी है, और यही हमको क्या बना होगा 7/3, तो ए में जरूर हम डिवाइड किए होंगे के से, जो ए और बी का HCF महत्तम समपरतक मान लेते हैं K है, तो K से इसमें डिवाइड किए होंगे, इसमें भी डिवाइड किए होंगे, तब तो 7/3 आया होगा, है ना, तो A में अगर हम डिवाइड करते हैं K से तब 7 आया होगा, और B में हम डिवाइड किए होंगे HCF दोनों का मान लिए हैं कि K है K से, तब हमको क्या मिला होगा 3,
तब तो रेशियो ये रिड्यूस फॉर्म में कितना है 7/3, रिड्यूस फॉर्म में हमेशा रेशियो को दिखाते हैं अनुपात को। तो इसका मतलब अगर ए बी का एचसीएफ के रहा होगा तो ए बाय के बराबर 7 होगा और बी बाय के बराबर इतना होगा, तो हम कह सकते हैं ए बराबर कितना होगा 7k और बी बराबर क्या होगा 3k, क्या हुआ के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जाके, ये के इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 से, तो बी बराबर 3k और ए बराबर 7k। इसका मतलब जो दो संख्याएं हैं ओरिजिनल संख्या, दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है, ओरिजिनल संख्या ए और बी है जो हमें नहीं पता है ना, क्योंकि एच सी एफ से कटाने के बाद 7/3 में आया हुआ है। ओके, तो अब ए और बी क्या हो गया मेरा है ना 7k और 3k, एक हो गया 7k दूसरा 3k। अब इस दोनों का अंतर दिया हुआ है कितना 28, कितना हो जाएगा a माइनस बी बराबर 28, ये दिया हुआ है तो हम लगा लेते हैं 7k a के जगह और b के जगह कितना माइनस 3k बराबर 28, कितना हो जाएगा ये दिस इंप्लाइज दैट 4k, 7k माइनस 3 गया 4k बराबर 28, k बराबर कितना हो जाएगा 28/4 मतलब 7, k का वैल्यू हमको निकल गया 7। अब हम a और b दोनों निकाल लेंगे, a बराबर कितना था मेरा 7k बराबर 7 × 7 = 49 और b अगर पूछा जाए तो b इक्वल टू कितना था 3k, तो 3 × 7 = 21। अब आप चेक भी कर सकते हैं कि 49 - 21 आपका कितना आ रहा है 28 आ रहा है कि नहीं, 49 - 21 = 28 वेरीफाइड, ये वेरीफाई भी आप कर सकते हैं। तो आंसर आपका आ गया, बड़ी संख्या पूछ रहा है दोनों में से, तो बड़ी संख्या कितना हो गया आपका 49 आंसर, 49 इज द आंसर। तो इस तरह आप ढेर क्वेश्चन बना सकते हैं। यहाँ देखिए दो संख्याओं का अनुपात 7:3 है तो उनका अंतर दिया हुआ है, उनका योग भी दिया जा सकता था, उसका गुणनफल भी दिया जा सकता था, कुछ भी यहाँ पे भागफल भी दिया जा सकता था, अंतर 28 दिया तो बना लिए है ना। चलिए यहाँ पर अंतर की जगह हम योग अगर दे दें है ना, दो संख्याएं है ना ए और बी का अनुपात कितना दिया हुआ है 7:3 और उनका सम ए प्लस बी इक्वल टू मान ली दिया जाए तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। तो क्वेश्चन इस तरह से फ्रेम करना पड़ता है, ठीक है। कुछ भी हम ले सकते हैं है ना, क्वेश्चन भी फ्रेम करने का तरीका है ना, के का वैल्यू कुछ भी मान लीजिए। ओके, 7k और 3k होता है तो मान लीजिए k का वैल्यू हम मान लेते हैं 5 या 5 मान लेते हैं, 5 से दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 7 × 5 = 35 और दूसरा हो गया 5 × 15, तो 5 से इसको इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ यहाँ हम लिख दिए है ना। तो एक संख्या मेरा 35 दूसरा 15 है, 35 और 15 को ऐड अगर हम करते हैं तो कितना हो जाता है 50, तो ये 50, ये क्वेश्चन फ्रेम हो गया है ना, ये क्वेश्चन तैयार हो गया। ए और बी का अनुपात 7:3 है और ए बी का सम कितना है योग, योग है 50, तो उसमें से छोटी संख्याएं बताएं है ना, तो छोटी संख्या क्या है क्वेश्चन है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये मेरा क्वेश्चन हो गया है ना, छोटी संख्या बराबर व्हाट, ए बी का अनुपात 7:3 है और दोनों का योग 50 है तो छोटी संख्या, तो फिर वही हम करेंगे ए बराबर 7k बी बराबर 3k, तो 7k प्लस 3k बराबर 50 दिया हुआ है तो 7:3 कितना हो गया 10k बराबर 50, k बराबर कितना हो गया 5 है ना। देखिए k का वैल्यू निकल गया, अब k का वैल्यू रख दीजिए तो 7 × 5 a का वैल्यू मिल गया 35 और b इक्वल टू 3k तो 3 × 5 बराबर 15 मिल गया है ना। तो ये तो हम क्वेश्चन तैयार करने के लिए ये हम k से मल्टीप्लाई किए थे, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, है ना, k = 5 ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, ये क्वेश्चन बनाने वाले ने ये अपने कैलकुलेशन किया और ये क्वेश्चन यहाँ पर रख दिया। आपको सॉल्व करना है सिर्फ इतना सा डाटा देख के, ये आंसर पहले से नहीं देखना, तो आंसर आपको मिल गया, छोटी संख्या कितना है 15 द आंसर। इस तरह से मल्टीप्लीकेशन दिया जा सकता है, आप क्वेश्चन खुद से तैयार कर सकते हैं है ना। दो संख्याएं हैं ए बी का रेशियो कुछ भी मान लेते हैं हम है ना, मान लेते हैं 2:5 है, 2/5 या 2:5 और दोनों का मल्टीप्लीकेशन हमको बताना है, तो कैसे तैयार करेंगे, मान लेते हैं दोनों एचसीएफ जिसे कटाएंगे है ना, दोनों का ए बी का जो एचसीएफ होगा वो के है, के का वैल्यू कुछ भी आप मान लीजिए अपने से, मान लेते हैं 3 है ना, तो 3 से दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए है ना, तो 3 × 6 और 3 × 5 = 15 मतलब ये है मेरा ए और ये क्या है मेरा बी है ना, 6 और 15 तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा 6 ×
पंद्रह बराबर नब्बे है ना। अब मेरा क्वेश्चन तैयार हो गया कि दो क्वेश्चन क्या बनेगा, तो मेरा ये क्वेश्चनर इस तरह से अपना क्वेश्चन तैयार करता है। अब क्वेश्चन वो पूछेगा, हम क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं कि ए और बी का अनुपात दिया है 2:5 और उनका गुणनफल है ना कितना है 90, तो छोटी संख्या बताएं या बड़ी संख्या बताएं या उनका सम बताएं या योग बताएं, तो उनका अंतर बताएं। चलिए अंतर बताएं, ये क्वेश्चन हो गया। ए और बी का अनुपात दिया हुआ है, गुणनफल दोनों का है 90, तो उनका अंतर क्या है, तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो ए बराबर हो गया मेरा 2k और बी बराबर कितना हो जाएगा मेरा 5k है ना, दोनों का गुणनफल। तो 2k into 5k equal to 90 कितना हो जाएगा, 2 10 के स्क्वायर है ना, 10 के स्क्वायर बराबर 90, के स्क्वायर इक्वल टू 9, 10 से कट गया, एक जीरो कटा, के इक्वल टू कितना हो गया 3, अब के इक्वल टू 3 यहां पे रख देना है, तो a बराबर क्या हो जाएगा 2 × 3 बराबर 6 और b इक्वल टू 5 × 3 बराबर 15, तो 6 और 15 देखिए ये नंबर था। अब कह रहा है कि इसका उनका अंतर बताएं, तो अंतर क्या हो जाएगा, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, तो बी माइनस ए है ना, अंतर बराबर कितना होगा 15 माइनस 6 बराबर 9 होगा आंसर। इस तरह से आप बना सकते हैं। तो अगला एग्जांपल है एग्जांपल नंबर 5, एक विद्यालय में छात्रों की संख्या का 10% छात्राओं की संख्या की 1/4 भाग के बराबर है, तो छात्र तथा छात्राओं की संख्याओं का अनुपात है। तो छात्रों की संख्या छात्र मान लेते हैं, छात्र का 10% बराबर है छात्राओं का 1/4 के बराबर है ना, तो छात्र छात्राओं का अनुपात क्या होगा। छात्र और छात्राओं को हम अगर भाग देके इधर ले आए छात्राओं है ना, तो ये शून्य शून्य कटेगा और इस शून्य को उधर गुना कर दें, इस 10 जो बचा उसको इधर गुना कर दें, तो कितना हो जाएगा छात्र बता यहाँ मल्टीप्लाइड 1 × 10। अब 10 और 4 बच गया, छात्रों और छात्राओं के अनुपात कितना हो गया 10/4, तो इसमें हम 2 से कटा लेंगे, 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4, तो 5:2 आंसर हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन और भी बहुत कुछ बन सकते हैं, कोई भी चीज एक है एक्स और दूसरा वाई है, तो दे दिया जाएगा एक्स का ना कुछ भी परसेंट 80% बराबर वाई एक वाई के 2/3 के बराबर, तो सॉल्व हो जाएगा है ना, एक्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन हो कि एक्स का 1/5 वाई के 20% के बराबर है, तो पर भी बन जाएगा 20% के बराबर है, क्या होगा x by 5 is equal to, बीच में बराबर लगाना नहीं भूलना है, y का 20% तो y into 20/100, हमको x by y पूछ रहा है, तो क्या करेंगे y को इधर लाएंगे और 5 को उधर ले जाएंगे, तो ये हो गया तो 1:1 आंसर क्या हो गया 1:1। तो इस टाइप का कहीं भी क्वेश्चन रहे तो आप बना लीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 6, किसी भोज में भाग लेने वाले पुरुषों एवं महिलाओं की कुल संख्या 36 थी, तथा दोनों का अनुपात 5:4 था, तो पुरुष तथा महिलाओं का अलग अलग संख्या कितना है। तो शॉर्टकट और लॉन्ग कट दोनों हम बता देते हैं, तो क्या होगा 5 और 4 है, तो पुरुष कितना हो जाएगा 5k और महिला बराबर कितना हो जाएगा 4k, और दोनों का सम हम करेंगे तो 5 + 4 कितना हो गया 9k और 9k किसके बराबर होगा 36 के बराबर, तो k का वैल्यू कितना निकल जाएगा 9 × 36 = 4, तो k का वैल्यू 4 रख देने पर पुरुष कितना हो जाएगा 5 × 20 और ये कितना हो जाएगा 4×5
के का वैल्यू 4 हो गया, 4 छके 16, तो ये लास्ट वाला कितना हो जाएगा मेरा 16। ओके तो पुरुष 20 है, ये 36 है और दोनों का सम 36 आ रहा है ना, 20 प्लस 16 ये 16 है, तो इसे सॉल्व करेंगे। शॉर्टकट ये है कि ये के लगाना जरूरी है, 5K 4K 9K है ना, या और शॉर्ट में जाए तो मेरे पास 36 दिया हुआ है और ये 5 और 4 दिया हुआ है, 5 प्लस 4 हो गया 9, 9 से इसमें डिवाइड कर दीजिए आ गया 4, तो इस 4 से दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो हो गया 20 और ये 16 है ना, तो यही आता है। ओके कोई भी इस तरह का क्वेश्चन हो इसमें यही हमें करना है, इसको ध्यान से समझ लें है ना। तो 5-4 अनुपात दिया है, दोनों का सम है ना, दोनों का योग है 36, तो हम क्या करेंगे इस दोनों को जोड़ लेंगे, 5-4-9, 9 से भाग देंगे 36 में तो आ गया 4, इस 4 से हम क्या करेंगे दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे अलग अलग, 5-4-20, 4-6-16, तो यही दोनों अलग अलग होगा पुरुष और महिला। अब इसका योग निकालिए, इसका डिफरेंस निकालिए, इसका गुणनफल निकालिए, जो भी क्वेश्चन में दिया जा सकता है। तो धन्यवाद दोस्तों, अगला वीडियो में मैं इससे थोड़ा सा टफ लेवल वाला अनुपात और समानुपात का वीडियो बना के इस YouTube पे डालूंगा, तब तक इस चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।